हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ठीक है कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और इनके हवाले से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो PPSC या FPSC या दूसरे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम मैप ड्रा कर लेते हैं। आपने कुछ इस तरह आपने भी मैप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम मैप ड्रा करते हैं। ऐसे आपने मैप ड्रा करना है। ठीक है, फिर आपने कुछ इस तरह बनाना है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अभी हमने तीन कंट्रीज़ बनाए हैं। ठीक है, फिर आपने जो है नेक्स्ट कंट्री बनाना है। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप ये देख लें कि यहाँ पे जो है आपके पास ये कंट्री आपके पास रशिया, ये है मंगोलिया और ये है चाइना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने समंदर बना लेना है। ठीक है, मैं इसको ज़रा ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं ये पेंसिल ख़त्म हो गई है। नहीं नहीं चल रही है। अच्छा, कुछ इस तरह करके आपने जो है ये बोला कौन सा है आपके पास, ये सारा ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है आपके पास। अच्छा, इसके साथ ही आपने कुछ और कंट्रीज़ भी बनानी है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हम यहाँ पे करके बना लेते हैं, एक कंट्री आपके पास यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे बनाना है एक कंट्री, जज़ीरे की फॉर्म में है, इस तरह करके बना लें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और कंट्री बनाना है आपने, वो भी जज़ीरे की फॉर्म में है। इनके नाम लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बना लें आप। एक और कंट्री, ये हो गया, और ठीक है यहाँ पे ये जो है बाकी आपका ओशन है। अच्छा, इन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं, ये आपके पास नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये हो गया आपके पास जापान, ये दक्षिण
फिलिपाइंस, ठीक है, ये आपके पास ताइवान, ये आपके पास हांगकांग, ये मकाओ, ये आपके पास वियतनाम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रेट भी बनती है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट भी बनती है, इसकी दूसरी तरफ जो है ये क्या है, अलास्का, और ये पार्ट है किसका भला, यूएसए का। इसे 1867 में जो है, 1867 में यूएसए ने ख़रीदा था रशिया से, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम इनके देख लेते हैं, इनकी इन मुमालिक की करेंसीज, इनकी करेंसीज कौन सी हैं। तो जो रशिया है इसकी करेंसी है रबल, RUBL, रबल, ठीक है। अच्छा, जो मंगोलिया है इसकी करेंसी है तुगरिक, TUGRIK, तुगरिक। चाइना की करेंसी है युआन, ठीक है, युआन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनकी करेंसी है वन, WON, वन, दोनों की करेंसी सेम है। अच्छा, जो जापान है इसकी करेंसी है येन, YEN, येन। ताइवान की करेंसी डॉलर है, ठीक है। वियतनाम की करेंसी है डोंग, DONG, डोंग। अच्छा, जो फिलिपाइन है इसकी करेंसी है पीजो, PESO, पीजो, ठीक है। अच्छा, ये हमने बेसिक इसके देख लिए, ज्योग्राफी के लिहाज से इनके हमने फिर करेंसी भी देख ली। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इन मुमालिक के कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है जी। तो रशिया का कैपिटल है मास्को, ठीक है। मंगोलिया का कैपिटल है उलनबतार, ठीक है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। अच्छा, वियतनाम का कैपिटल है हनोई, हनोई। अच्छा, ताइवान का कैपिटल है तैपी, TAIPI, तैपी। अच्छा, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है पियंगयोंग, पियंगयोंग। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, जापान का कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रशिया को, ठीक है, जस्ट हम ज्योग्राफी को भी देख रहे हैं। तो रशिया में यहाँ पे हैं आपके पास एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। इस माउंटेन रेंज को कहते हैं उरल माउंटेन्स, URAL, ठीक है, उरल माउंटेन्स। ये
माउंटेन्स जो हैं ये सेपरेट करती हैं एशिया को और यूरोप को, क्योंकि रशिया जो है वो तकरीबन 75% जो उसका एरिया है वो एशिया में आता है और 25% जो है वो यूरोप में आता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक माउंटेन बनानी है जिसका नाम है वल्दाई माउंटेन, ठीक है, वल्दाई माउंटेन। वल्दाई माउंटेन से जो है एक रिवर निकल रहा है, दरिया निकल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से होते होते कहाँ जाता है, कैस्पियन सी में। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कैस्पियन सी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कैस्पियन सी है, अच्छा, इस रिवर का क्या नाम है, इसका नाम है वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर। और इसकी लेंथ कितनी है, 3550 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपने एक लेक बनानी है जो कि रशिया के अंदर है, उस लेक का नाम है लेक बैकल, यहाँ पे करके बना लें, ठीक है, लेक बैकल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं, कुछ डेजर्ट्स बनाते हैं। तो एक यहाँ पे बना लें, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है, और एक यहाँ पे करके बना लें, ठीक है, हमने दो डेजर्ट्स बनाए हैं। अच्छा, अब इनका नाम क्या है, ठीक है, तो ये जो डेजर्ट है चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे, इसे कहते हैं गोबी डेजर्ट, ठीक है, इसे कहते हैं गोबी डेजर्ट। और ये जो है ये वाला डेजर्ट, इसे क्या कहते हैं, तकला मकान डेजर्ट, ठीक है, तकला मकान डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे चाइना वॉल भी बना लें, ठीक है, ये चाइना वॉल है, इसका भी हम देखेंगे इन डेप्थ। ये आपके पास चाइना वॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें दो एक रिवर देख लें, ये जो है इस रिवर का नाम है, यांगत्ज़ी रिवर, यांगत्ज़ी रिवर, और इसकी जो लेंथ है वो है 6300 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह एक और रिवर बना लें यहाँ पे, इसका नाम है येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर, और इसकी जो लेंथ है वो है 45-46 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी के लिहाज से
इसमें हम कुछ आइलैंड्स को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ आइलैंड्स को देख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ आइलैंड बनाए। अच्छा, इन आइलैंड्स का क्या नाम है? इसका CURIL, कुरिल आइलैंड। ठीक है, इसका कुरिल आइलैंड। अच्छा, दूसरा आइलैंड यहाँ पे करके बना लें। इस आइलैंड का क्या नाम है? सिनकाको आइलैंड। सिनकाको आइलैंड एक यहाँ पे करके बना लें। इसका क्या नाम है? सेपरेटली आइलैंड। सेपरेटली आइलैंड और एक यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, इसका क्या नाम है? पैरासिल आइलैंड, PARACEL, पैरासिल आइलैंड। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिहाज से हमने यहाँ पे चार आइलैंड्स देखे हैं। एक है कुरिल आइलैंड, एक है सिनकाको आइलैंड, ये है सेपरेटली आइलैंड और ये है पैरासिल आइलैंड। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे इसकी बेसिक ज्योग्राफी देखी है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। सबसे पहले हमने इनका जो है करेंसी को देखा है, फिर इनके कैपिटल्स को देखा है, फिर जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिवर्स हैं या डेजर्ट्स हैं, ठीक है, उनको देखा है, और फिर जो है आइलैंड्स को हमने देखा है। तो नेक्स्ट जो है हम दूसरे लेक्चर में जो है हम इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, देखेंगे रशिया को, देखेंगे चाइना को और जापान हो गया कि कमीशन में जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके हवाले से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।